तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन का पूरा क्वेश्चन इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमता है, समझ आ गया। और मैंने बोली दिया कि आगे के जो रिलेशन आने वाले सेम सेट के लिए डिफाइन होता है, तो हम एक सेट भी ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, वही अपना फेमस वाला सेट 1 2 3, समझ आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन क्लियर है, रिलेशन में कुछ और होगा नहीं ज्यादा। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, यह कहता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये क्या है सर, ये तो अभी बताए थे आइडेंटिटी में, अभी बताए थे आप। अरे हाँ या ना, ये बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू, सॉरी, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जैसे मैं एक आर वन लिखने जा रहा हूं, 1 1 2 2 3 3 और ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी लिख लो, 1 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है, आर थ्री, 1 1 1 2 2 2 2 1, समझ आ गया। अब देखिए डेफिनेशन एग्जांपल से ही क्लियर होता है, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव में रिपीटेड ऑर्डर पेयर होने चाहिए सबके लिए, ध्यान रखना सबके लिए। अब इसमें और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, उसमें हमने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड होना चाहिए, समझ आ रहा है क्या। और इसमें कह रहा है कि सारे के सारे रिपीटेड होना चाहिए, दोनों में अंतर है, नहीं आया। वो कह रहा था कि हम किसी और को अलाउ नहीं करेंगे, आइडेंटिटी कह रहा था, ये कह रहा था कि हम अलाउ करेंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस जितने इसमें रिपीटेड बनेंगे ना वो सब होने चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या, बताओ क्या ये होगा। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, जरूरी थोड़ी है कि जो रिफ्लेक्सिव हो गया वो आइडेंटिटी नहीं होगा, या जो आइडेंटिटी हो गया वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया, ये बताइए। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है, हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या, नहीं आया यार। ये कह रहा है कि भैया क्यों क्यों नहीं है, कुछ बच्चे सोच रहे सर ये क्यों नहीं है, दिख तो रहा है ये, हाँ, क्योंकि इसके अंदर 3.3 नहीं है, ये 3.3 इसके अंदर नहीं है। क्लियर हो रहा है, अरे बोलो। अच्छा, सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, ये कहता है कि अगर रिपीटेड के अलावा, सिमेट्रिक कहलाने की शर्त क्या है, रिपीटेड के अलावा कोई भी नॉन रिपीटेड रिलेशन में दिखा, तो ये कहता है कि हमको उसका मिरर इमेज भी मांगता है। अरे बोलो हाँ या ना, ए बी है तो क्या चाहिए, इसको रिपीटेड से कोई मतलब नहीं है, सिमेट्रिक देखने के लिए रिपीटेड जरूरत नहीं है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ आ गया। जैसे ये देखिए, समझ आ गया, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, यहां पर आओ, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये इनसे तो कोई दिक्कत है नहीं, इनसे कोई दिक्कत है नहीं, उसको दिक्कत किससे, इससे, वन ए बी है तो क्या चाहिए, बी है, 2-1 नहीं था, 2-1 इसके अंदर नहीं था, तो ये बोलेंगे इसको कि ये नहीं है, बताओ ये बोलो, रिपीटेड से तो दिक्कत था नहीं, नॉन रिपीटेड ये था, क्या इसका मिरर इमेज है, हाँ है, तो बोलेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर हो रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, 1 1 1 2 2 2 है ना, 3 2 और 2 1, बोलिए क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। बच्चे कह रहे हैं सर 1 2 का 2 1 तो दिख तो रहा है, हाँ, तुम खाली फिजिक्स में पास कर जाओगे तो कर जाओगे, मैथ में भी पास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, ना फिजिक्स मैथ में तो पास करोगे कंफर्म, केमिस्ट्री में भी करना पड़ेगा, समझ आ गया। तो जितने ए बी बन रहे हैं उतने बी ए चाहिए, जितने ए बी बन रहे हैं उतने बी ए चाहिए, अजी हाँ, ये कह रहे हैं कि सर इसके लिए तो ये है, ये सब है, अभी लास्ट में इसको लेंगे हम, इसीलिए इस पर अभी हम नहीं बात कर रहे थे, ये सब है, ये सिमेट्रिक है, समझ आ गया ना आप, क्यों, क्योंकि एग्जाम ही नहीं दे रहा है, फेल तब कहलाओगे ना जब एग्जाम दोगे, अरे यार तुम एग्जाम ही नहीं दिए तो कोई माई का लाल बोल सकता है कि फेल हो तुम, कोई बोल पाएगा नहीं बे, एग्जाम नहीं दिए, दिए होते तो दिखाते, जो टेस्ट नहीं देता है ना वो देखो अगले दिन उसका, आगे कहता अरे यार इतना सिंपल पेपर, टेस्ट दिए होते हम ही टॉपर होते। अच्छा, कुछ लोग तो आके कहते हैं पढ़े नहीं थे हम सर, नाम चिपका दिया ना, अब नाम अभी तो 0-0 लिखा जा रहा है, वहां कुछ और शब्द हम लोग जोड़ने वाले हैं, बता ही दिए थे आपको, पहले गधा से शुरू होगा, घोड़ा से शुरू होगा, फिर गधा बोला जाएगा, फिर खच्चर लिखा जाएगा,
ऐसे करके शब्द हम लोग ढूंढ रहे हैं, गूगल करेंगे। हाँ सुअर आते देखो क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में किसी को दिक्कत है? समझ आ गया, एकदम सिंपल है यार, बच्चा बच्चा इसको जानता है। दिक्कत यहां है, और दिक्कत ही नहीं कंफ्यूजिंग है, टीचर भी गलत पढ़ाते हैं इसको। मैं बता रहा हूं, पांच टीचर को तुम देख लो, एक टीचर ट्रांजिटिव गलत पढ़ा देगा, यूट्यूब वाले टीचर जो आजकल निकल चुके, किताब में भी गलत मिल जाता है। तो हमको फॉलो किसको करना है? एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी का बात मानना है, है ना, क्योंकि हमें पेपर गवर्नमेंट का देना है, सरकारी, नहीं तो फिर एनसीईआरटी का बात नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये कहता है ना कि अगर ए बी दिखा एंड बी सी दिखा, एंड बी सी दिखा, तो ये कहता है कि ये तेरे नाम से खत्म, तेरे नाम से शुरू। अरे बोलो, इन दोनों को कैंसिल करो, हटाओ इनको, क्या चाहिए? ये कहता है हमको एसी चाहिए, हमको एसी चाहिए, समझ आ गया? अरे बोलो, अगर ए बी है बी सी है तब एसी चाहिए, समझ आ गया? अगर ए बी है बी सी है मतलब टेस्ट देगा तब पास होगा, समझ आ गया? तब वो ढूंढेगा, जैसे जैसे ये सर बड़ा टफ बात कर दिए, एक दो मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ, क्योंकि इसका एग्जांपल भी थोड़ा लेना होता है सोच समझ करके। अब मैं ले लेता हूँ 1 2, कोई नोट्स नहीं देखेगा, 1 3 और 3 2, बताओ बताओ बताओ, 1 3 3 2 और 1 2, बिना नोट्स देखे, क्योंकि आप दिमाग विकसित नहीं होगा फिर नोट्स देखने लगोगे तो। चलिए, पहला नहीं है, काहे नहीं है, जितने जितने टेस्ट दे रहा है सब देखो, आप देखो यहां पर ए बी बना था क्या, ए 1 2 बना था ए बी, और ये बी सी बन गया था, मिल गया ना ये, तो इसके लिए क्या चाहिए, क्या 1 3 चाहिए, 3 1 का चाहिए भाई, 1 3 चाहिए, है कि नहीं है? इस टेस्ट में पास कर गया, और एक ही टेस्ट थोड़ी दे रहा है, और भी दे रहा है, और कहां दे रहा है, 2 3 2 3 एंड 3 2, अच्छा ये मिल गया क्या, इसके लिए क्या चाहिए था, चाहे कितना भी पास कर जाए अगर एक पेपर में फेल कर गया तो क्या कहलाएगा, फेल कर। आप कहोगे कि सर ये ए बी और बी सी कहां है, ये तो ए बी और बी है, ना ना उससे मतलब ही नहीं है, ये दोनों मिलने चाहिए बस, ये ए और सी जो था ना वो इक्वल भी हो सकते हैं, क्लियर हो रहा है क्या, हम क्या कह रहे हैं, ये मिलने चाहिए। आप कहोगे कि सर कहां से उठा के ला दिए आप, 2 3 यहां है, 3 2 कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क, तभी तो थोड़ा टफ है ये, आपको सब देखना पड़ेगा, एक भी फेल कर गया आ जाएगा, आ जाएगा, तनाव नहीं लेना है, 2 4 एग्जांपल करते ही आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में कुछ है ही नहीं, है तो सिर्फ ट्रांजिटिव, सीख जाएंगे हम लोग। अरे बोलो, अच्छा इसमें 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 देखिए, ये फेल कर गया ना, एक भी फेल कर गया बाकी चेक ही नहीं करना है, बाकी इधर आ जाओ, कहां कहां मैच कर रहा है, 1 3 ए बी हो गया, और क्या ये बी सी हो गया, क्या आएगा, 1 2 है क्या, और कोई और कोई और कोई, एक ही टेस्ट दे रहा है, और कोई टेस्ट है, पास कर गया, बोलो बोलो, समझ आया, आया कि नहीं आया, अच्छा अच्छा हाँ, क्या जी आ रहे हैं ना, वही तो बात वो भी पूछा था, उसी का बात तुम पूछ दिया ट्रांजिटिव में, आ रहे हैं उस पर, हम एक डाउट नहीं बचेगा, रुक जाओ डिस्कशन कंप्लीट होने दो। मैं एक ऐसा रिलेशन ले रहा हूं ना, ये देखिए 1 2 3 4, समझ आ गया, 6 7 9 10, आपको सर ये तो रिलेशन ही नहीं है, नहीं मान लो ये रिलेशन है, एक ऐसा सेट ले लिया ना 1 2 3 4 5 10 तक है, तो वहां तक 10 × 10 100 ऑर्डर पेयर आएंगे, उसके लिए तो ये रिलेशन होगा ना, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है कि बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कैसे अबे, हाँ ये टेस्टी, कहीं भी ए बी बी सी मिला, कहीं बताओ ए बी बी सी मिल रहा है क्या, कोई दूसरा वाला पहले वाले के साथ मैच कहीं भी नहीं कर रहा है, तो ये जन्मजात ट्रांजिटिव है, हाँ इसको बोलेंगे हम लोग, ये जन्म लिया है ट्रांजिटिव हो करके, नहीं समझ आया, टफ लग रहा है क्या ट्रांजिटिव, टफ लग रहा है क्या, समझ आ रहा है ना, अगर ए बी बी सी मिलेगा ही नहीं तो एसी ढूंढेंगे क्यों, ए बी बी सी मैंने क्या बोला, इफ, ये देखो ये देखो क्या बोला जा रहा है, कितना बोला जा रहा है, अगर है ये दोनों तब नहीं, ये ढूंढना है ही नहीं तो ट्रांजिटिव है वो, समझ आ गया क्या, आया कि नहीं आया, तो बच्चे कह रहे थे कि सर बताइए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, है कि नहीं है, मैं बता रहा हूं किसी किताब में ढूंढ के लाओ, नहीं बताता है वो लोग, लेकिन ये है, ये ट्रांजिटिव है, कुछ किताब में इसको कहता है कि ट्रांजिटिव नहीं है,
है कि नहीं है? ट्रांजिटिव के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है? कंफ्यूज नहीं होना है, चार किताब पढ़ोगे गलती हो जाएगा, ट्रांजिटिव में सब कंफ्यूज करके रखता है। तो आपको बात मानना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो, जैसे ये देखो, अगर यहां पर मैं 3-3 ले लेता, 3-3 ले लेता तो क्या हो जाता? क्या रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है क्या वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तीनों शर्त को पूरा करें, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? अगर तीनों शर्त को पूरा करेगा कोई रिलेशन तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, चौथा हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और 90% जो क्वेश्चन है इन्हीं चारों के आसपास घूमता है रिलेशन का। समझ आ गया? टफ है? बोलो बोलो, पढ़ा जाए एक बार अच्छे से। चलिए,